Hi guys, हम हैं Remora Vlogs. हम जाने जाते हैं हमारे 24 आवर चैलेंजेस के साथ, यानी कि हमने बिताए हैं 24 आवर्स फॉरेस्ट में, स्नो में, कार में, रूम में, स्क्वायर में, सर्कल में, टेरेस में, बालकनी में और न जाने कहां कहां. और इस बार हमें चैलेंज किया है अनअकैडमी ने टू स्पेंड 24 आवर्स इन अनअकैडमी सेंटर. तो क्या हम कर पाएंगे, लेट्स सी. हमें चैलेंज किया है वो भी अन अकेडमी ने कि हम कोटा में आए, अन अकेडमी के सेंटर में जाए और 24 आवर्स बिताएं. यार ऑब्वियसली डूडी उनको लग रहा है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी पढ़ाई है यार. यार एक मिनट, हम यहाँ पढ़ने तो नहीं ना आए. यार ऐसे मत करो यार. बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मैं इतना कुछ लेके आई हूँ ना और मैं यार पढ़ना चाहती हूँ. मुझे ना शुरू से मन था कि यार ये IIT वगैरह की क्या पढ़ाई होती है. IIT की फुल फॉर्म बताओ. नीट की फुल फॉर्म बताओ. वो नीट का एग्जाम कैसे लिया जाता है वो मुझे पता है. तो गाइस मैं भी चाहता हूँ मैं इतनी मेहनत करूँ, इतनी मेहनत करूँ कि मेरी भी शक्ल इन बच्चों के बीच में लगे. मेरी ऐसी शक्ल है यार, हमारी क्यों नहीं लगती यार. हाँ, ऐसे ऐसे ये आज हमें पता लगा. आज मैं लग रही हूँ आउनी की मैं पढ़ाई कर रहे हैं. लेट्स गो, चलो लेट्स गो. ऐसा लग रहा है जैसे हम इनका कुछ चुरा के बैठ गए. यार नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग हॉस्टल में आए हैं रूडी. यार मेरे को डर लग रहा है बहुत ज्यादा, ऐसे क्यों देख रहे हो मैं यार. बेटा ये कोई वीडियो कोई 24 आवर चैलेंज नहीं है, ये तुझे मजाक बनाता है. हम तुझे अनअकैडमी में छोड़ने आए हैं. ऐसे मत करो. पहला बच्चा होगा अनअकैडमी का जो फेल होगा. यार सारे टॉपर हैं. चल चल निकलते निकलते निकलते. भूख लगी. दीक्षा शर्मा. सो आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? अनअकैडमी यूनिफॉर्म में आप नहीं है, इतना सारा लगेज लगे सीधे एंटर कर रहे हैं विदाउट एनी परमिशन. एक्चुअली सर हमें ना अनअकैडमी ने ना चैलेंज किया है टू स्पेंड 24 आवर्स इन अनअकैडमी सेंटर. बस इतनी सी बात है. बस सर आप नीट पढ़ाते हो ना? मैं नीट फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मायसेल्फ डॉक्टर परवेज का. ओ सर आपकी फोटो लगी मानती है. मुझे आप पढ़ा दो प्लीज, मुझे ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है यू नो MBBS वगैरह करने में. हाँ तो पढ़ा देंगे, अनअकैडमी की पूरी टीम पढ़ाने में तैयार है. थोड़ी डिफिकल्ट लगती है मुझे. वेरी इजी एंड वेरी इजी. ये क्या कर रहे हो भाई? ओ सर के व्यूज बड़े आते हैं YouTube पे, मैंने बोला अपने चैनल पे डाल लेंगे. और क्या, आपकी क्लास में मैं कल आ जाऊं फिर? हां व्हाई नॉट, श्योर. सर हम भी आ सकते हैं ना? अगर आप लगते तो नहीं पढ़ा पूरे, लेकिन फिर भी आ सकते हैं. भाई इनको तो मैंने देखा ही बड़ा है YouTube पे. हाँ मेरे को बाद में पता लगा मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, मैं देख इनको रहा था. यार ये सेल्फ स्टडी एरिया है. सेल्फ स्टडी खुद करेंगे, बड़े हैं हमारी तरह नहीं. हमारी मम्मी ने जो हमें पढ़ा के पास किया है ना, बड़ा मुश्किल होता है वो. ये कौन सी सब्जेक्ट है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक होती है केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक ही होती है ना. नहीं नहीं चाय ऑर्गेनिक होती. चल आगे. ऐसा लग रहा है जैसे एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं. आई स्वेयर गेट नंबर कहाँ है यार? गेट नंबर छोड़, हमें ढूंढना है कि हम कहाँ पर जाके अपना बसेरा बनाएं. Exactly. Yeah. यार हम लोग को इधर राइट पे जाना चाहिए. एक काम करते हैं. हाँ जिसको जगह मिली हाँ. वो यहाँ पर आके बता देना, उसको जगह मिलेगी तो वहाँ चल लेंगे. ठीक है चलो. बुढ़ी वहाँ कुछ नहीं है. गाइस जगह मिल गई. हेलो दीक्षा. गंदी एक्टिंग ना कर, साथ में चलो. चलो यार एक जगह चलो यार. ये कीड़ा देख ऐसा है. ऑक्टोपस
ये यूजुअली मिलते हैं। मैं स्कैर्ड, मैं नहीं लग रहा ऐसे खुल गया तो फिर तू क्या चोरी कर रहा था? ये संजय की आंखें, ये देखे गाइस, मुझे वो मिल गई जिसका कब से इंतजार था, मेरी एक्स। क्यों टच कर रहा है उसको, चला आगे चले। डैम, वाओ नाइस भाई, फाइनली पहुंच गए। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्लासरूम इज पहले नंबर पे हम लाए हैं। ओ भाई, टेंट, ये टेंट हमारे रात को रहने के काम आएगा। जी हाँ, ये हमने टेंट ये बैग में फिट कैसे किया? हो गया। खाने का जुगाड़, जी हाँ। ओ वाओ, हम लाए हैं, हम फैमिली अपनी मस्ती के लिए भी चीजें लेके आए हैं। हाँ। ट्यूब, स्विमिंग ट्यूब। हाँ। ये देखे स्विमिंग गॉगल्स, ये संजय को मारने के लिए। गद्दा, ये तू भूल भी लेके आया भाई, हम अनअकैडमी सेंटर में पढ़ाई के लिए आए। मैं बहुत सारा मेकअप, क्यों मेकअप लेके आती, मुझे नहीं समझ में आता। ये डूडी की गैस के कैप्सूल, तू दूसरे चैनल में बता दे, मेरे को गैस बीच बीच में हो जाती है। सबसे पहले ये मेरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ठीक है। और होटल में रहने आए हो तुम, ये क्या है, ये क्या क्या उठा के लेकर रुक जाओ। फिर मेरा जो मेन अंशेश है, ये इन्होंने बच्चे पढ़ाने हैं, यहाँ पर बिगाड़ने नहीं है। ये प्लेस्टेशन 5 ले आया, डूड फीफा खेलेंगे। चलना यार ब्रो, पास यार। बेटा ये अन अकेडमी सेंटर वालों ने हमारे लिए स्पेशल थाली भेजी है। और क्या कहते हैं, आप जो स्ट्रगल करते हो अपने चैनल पे करो, यहाँ पे आए हो कोई ना कुछ हम आपकी मदद भी करेंगे। यहाँ पे हमारे वीआईपी वाली फीलिंग हो रही है। गुलाब जामुन, क्या बात, लेट नाइट कहाँ मिलेंगे? ना ना, यहाँ मिलेंगे, यहाँ अन अकेडमी सेंटर में मिलेंगे। उन्होंने मंगवा के दिए क्या? मुझे भी खाना यार, ये अपनी थाली मंगा लो। अपनी थाली नहीं, मुझे आपने कहा था कि खाना खुद से बनाना है, तो मैं अपने आप बनाने लगी। तो बनाना, तो अपना बनाना। गुलाब जामुन, ये देखो चने चावल, इसने कभी जिंदगी में नहीं खाए। थैंक्स टू अन अकेडमी सेंटर जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। ऑलराइट गाइस, तो हमें जगह मिल गई है जहां पर हम अपनी रात को बिताएंगे। गाइस, अगर आप IIT JEE और नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, देन आई थिंक यू शुड नो समथिंग। अनअकैडमी इज ब्रिंगिंग 4 न्यू बैचेस फॉर प्रिपरेशन। आप पढ़ेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ जिन्होंने टॉप ऑल इंडिया रैंकर्स को पढ़ाया है। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो जाकर क्लिक कीजिए फटाफट। गाइस, हमने लिविंग इन बोट किया है, हमने लिविंग इन स्नो किया है, हमने लिविंग इन फॉरेस्ट किया है, लेकिन हमने कभी लिविंग इन अन अकेडमी सेंटर नहीं किया था। आज ये भी कर लिया, और कहाँ कहाँ टेंट लगाना बाकी है जिंदगी में। सच्ची में यार, यार नहीं यार, तो तू पहले मैसेज आया भाई, नहीं। बच्चों बहुत हो गया मजाक, अब करो तैयारी कल की, क्योंकि कल देखते हैं विल यू बी एबल टू क्रैक इट। आपका होगा टेस्ट, वो भी 500 बच्चों के आगे। यार डूडी, मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी पढ़ाई करने। कैसी पागल है, सब्जेक्ट तो पूछ के नहीं गई। हेलो सर, हेलो हेलो सर, फिजिक्स पढ़ाते हैं वो। फिजिक्स पढ़ाते हैं, ओके सर। क्या होता है, पता लग गया सर, ओके। व्हाट इज फिजिक्स? मैं कहता हूं फिजिक्स छोड़ो, कल टेस्ट होगा, भगवान का नाम लेके टेस्ट कर देंगे। अभी सोते हैं यार आराम से। संजय और भैया को तो मैं ऐसे ही हरा दूंगी। मैं ये आज बैठ के, मुझे लगता है आज मैं सोने नहीं वाली, आज मैं पूरी रात बैठ के सारी बुक कंप्लीट कर देनी है। मैं करके दिखाऊंगी, मेरे में जज्बा है, पावर। तुझमें वो आग है जो जला देगी संसार को, तुझमें वो बात है जो हिला देगी संसार को। तू ना है रुकने वाली, तू ना है थकने वाली, अब तेरा है जो दिन बदलेगा जमाने को। हाँ तुझमें बात है, तुझमें वो बात है, हाँ तुझमें बात है, तुझमें वो बात है।
तेरा जज्बा 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 जो तेरे साथ है, हाँ तुझ में बात है, तुझ में वो बात है। रूडी यार उठो यार, बस करो यार। आए, कितनी बार मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई यार, इतनी ज्यादा हालत खराब है ना, वापस से इतनी ज्यादा नेक पेन हो रही है, मतलब थोड़ी सी ठीक हुई थी वो फिर से पेन होने लग गई है। अभी बैठ, क्या कर रहे हो, किसको हाय बोल रहे हो? Guys, I'm making friends. क्योंकि इतने टॉपर्स अगर मैं दोस्त बनाऊंगा तो मेरी भी इज्जत टॉपर वाली होगी। वो तो शुक्र है चाय वाले का, सुबह कैंटीन खुल गई, इसको चाय मिल गई। और कुछ याद नहीं है यार, बस करो रूडी, बस करो। कुछ MCQ ही होंगे तो जिसको भी आंसर आता है तो ऐसे 2 का 1 है। चीटिंग भी सोच ले, खाऊं करूंगी मैं, खांसी करना। गाइस हमने काफी डिस्कशन किया टेस्ट को लेकर और ये डिसाइड किया कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको बुलाते हैं और फंक्शन करवाते हैं, टेस्ट तो होते रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि रिमोरव वाले कहीं जाएं और उन्हें बिगाड़े नहीं, अब इन्होंने तो हमें बिगाड़ दिया है। हम एक्साइटेड इनकी रेस देखने के लिए, क्या आप एक्साइटेड इनकी रेस देखने के लिए? रेडी गेट सेट 1 2 3 लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी फॉर द रेस? 3 2 1 गो। सर बच्चे थे, ये तो बच्चे लगे हुए थे, मस्ती कर रहे थे नॉर्मली। नहीं सर, टेस्ट का देने, कौन सा टेस्ट था? टेस्ट देना एग्जाम। हां सर सर, टेस्ट आज ही, टेस्ट आज ही सर, हम भी देते। क्या हो गया ऋषि भैया जी, क्या आपको आंसर नहीं पता? आप पीछे टर्न अराउंड क्यों हो रहे हो? आई डोंट बिलीव कि ऐसे आप कैसे डॉक्टर बनोगे और इंजीनियर बनोगे। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हैव एक्स्ट्रा शीट? ओ डूडी, MCQ है। तुम्हारा पेपर तुमने अभी तक नहीं देखा है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर, यहाँ एक्स्ट्रा शीट नहीं जरूरत होती। चले लिपिड है। What? चले लिपिड है। ये लिपिड है क्या होता है? Sorry, चले लिपिड है। यार अभी तो 5 मिनट हुए हैं। This is not exam जिसके अंदर आपको 30 या 25 क्वेश्चन करने, यहाँ पे आपको 3 hours के अंदर 200 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आपको चीटिंग अलाउड भी कर दी जाएगी तो आप स्कोर नहीं कर सकते, ये क्या तरीका है?
तो दोस्तों अब समय आ गया है रिजल्ट का। इन तीनों ने पिछले 24 घंटे में बहुत ज्यादा मेहनत की है। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मुझे कि अपने लाइफ के सबसे डिफिकल्ट 24 आवर्स इन लोगों के लिए रहे होंगे और अब रिजल्ट का समय आ गया है और ये रिजल्ट बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, जो आपने आज तक नहीं सोचा होगा ऐसा रिजल्ट आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शक्ल देख करके कि आप इस चैलेंज के विनर हो सकते हो। बट आपकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी शक्ल पे जो कॉन्फिडेंस है ना उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जीतने वाले। थैंक यू सर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस भी है इस बात पे। हाँ जी हाँ जी, मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा मेहनत की, मैं रात तक ये लोग ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की सर। मगर मुझे जो सबसे काम लग रहे हैं वो हमारे संजय भाई। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस है, मतलब एक्सट्रीम लेवल कॉन्फिडेंस अभी। So the winner is Sanjay. Wait, Sanji? Huh? Oh no way! Yes. अरे रुक जा। अरे रुक जा। अगर तेरे जैसे बंदे को पास करने तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं आएगा। ये बंदे को अन अकेडमी की स्पेलिंग में नहीं आते हो। सुना? You? स्पॉटलाइट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। Let's crack it!